हर एक के लिए ही होम स्कूल ही मतलब एक वाहिद हल है, और किसी को भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने हालात जानता है, हर एक को अपने मिजाज का पता है, अपनी कमजोरियों का पता है, अपने खानदान का पता है। पाकिस्तान में एडमिशन कराया ना, लंदन में तो नहीं कराया, उर्दू ही बोलेगा। और मैंने तो फुल डोज वोज दी, मैंने कहा ये तो उर्दू ही बोलेगा, आपने निकालना स्कूल से, आप निकाल दें। जब स्कूल में जाता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सारी जो उसका जो मकसद बना दिया जाता है बच्चे का, वो ये कि तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। मैंने ये बनाया हुआ है घर में कि नोबडी इज गोइंग टू से आई कांट डू दिस, योर मदर, योर फादर एंड द किड्स, नोबडी इज अलाउड टू से आई कांट डू दिस। प्री स्कूल में 80% ऑफ द टाइम आप क्या करा रहे हैं बच्चे को? फोनिक्स। भाई क्यों इतना वक्त लग रहा है? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े अरसे बाद हम रिकॉर्ड करने लगे हैं गेस्ट एपिसोड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इत्तेफाक से हुआ ये कि जब मैं कराची गई तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक होम स्कूलिंग मदर से, और मैंने उसको एज अ होम स्कूलिंग मॉम देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना हमेशा मैं उससे एज अ फ्रेंड ही मिली हूँ। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली उसे देखकर। और सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में होता है कि सोशल नहीं होते वो बच्चे, तो वो बच्चा माशाल्लाह बड़ा सोशली एक्टिव, बड़ा कॉन्फिडेंट, तो मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए इस मामले में। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे सारे डाउट्स हैं, जो मेरे दिल में सारे सवाल हैं, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में होते होंगे कि क्यों लोग होम स्कूलिंग को चूज़ करते हैं, क्यों लोग ट्रेडिशनल जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं वहाँ नहीं भेजते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नस्लों में किसी ने होम स्कूलिंग नहीं की, मेरे हस्बैंड की नस्लों में किसी ने होम स्कूलिंग नहीं की, तो ये एक एलियन सा टॉपिक लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि बच्चा हर वक्त घर हो, हम उसको घर में बिठाएं, घर में पढ़ाएं, एक ही माहौल में, बिकॉज हमें बहुत वो होता है ना कि फिट इन सोसाइटी में होने की नीड होती है। तो उस हवाले से मैंने सोचा हमारी गेस्ट भी वैसी ही हों। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हमें लेट से यू नो विल गो थ्रू अ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन होम स्कूलिंग, जिससे हम आपका कम्प्लीट कोर्स करवाएंगे कि क्यों ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम्स अच्छे नहीं हैं हमारे बच्चों के लिए, या उनमें क्या मसाइल हैं, या क्या वजह है कि होम स्कूलिंग इज़ एन ऑप्शन, एटलीस्ट यू नो आई वांट टू कंसिडर इट एज एन ऑप्शन। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं हुमैरा हुसैनी, शी इज़ अ पब्लिशर, और इनका माशाल्लाह पेज है, ये उर्दू की किताबें लिखती हैं। और जैसे मुझे इंग्लिश की किताबें ना बहुत आराम से मिल जाती थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन उर्दू में मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा। तो माशाल्लाह शी इंट्रोड्यूस दिस लेवल्स के बे और पे करके, वो लेवल्स जब मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लव्स लव्स कुंजी के नाम से इनका पेज है, और माशाल्लाह ये एक होम स्कूलिंग मदर हैं, तो आई एम श्योर आज हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, थैंक यू सो मच मेरा, आपने टाइम निकाला, आप हमारी पॉडकास्ट पर आई, हमारे बहुत सारे सवाल हैं, हम आपको फौरन तंग नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सो आई हैव मेड अ लिस्ट, विल स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले ये बताएं कि कोई भी पेरेंट, जैसे कि आपने होम स्कूलिंग चूज़ की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक तो सर ना डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी इस सवाल के जवाब में कि मैं वो बच्चा थी जो स्कूल हमेशा जिसको बहुत पसंद होता है और बड़ा मतलब हाई अचीवर जिसको कहते हैं, और मुझे अच्छा लगता था, मुझे उससे कभी कोई मसाइल नहीं हुए शुरू में। हाँ, बड़े हो के मुझे उसमें मसाइल नज़र आने शुरू हुए। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं वो बच्चा थी जिसको स्कूल पसंद था। दूसरा ये कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा भी शुरू में ना, जब मेरे दो बड़े बच्चे छोटे थे तो। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 5 मुख्तलिफ स्कूल्स में भेजा, और उसमें इलीट स्कूल्स भी आते हैं, थोड़े से इस्लामिक स्कूल्स भी आते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाले स्कूल जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं वो वाले स्कूल भी आता है, और सब में मुझे कुछ ना कुछ मसाइल नज़र आए। एक तो मुझे मसला ये नज़र आया कि बच्चों के सवालात मर रहे थे, मतलब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, मुझे ये लगने लगा कि सवालात पूछने बंद हो गए बच्चे। अच्छा, हमारा थोड़ी सी मैं आपकी बात यहाँ पर मैं क्लियर होना चाहती हूँ, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और किस एज में आपने उनको स्कूल भेजा? अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़े बेटे को मैंने 5 साल में भेजा,
व्हिच इज स्टिल लेट, हम तो 3-3 साल में भेज। वो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था कि नहीं भाई मैं 5 साल से पहले नहीं भेजूंगी। तो 5 साल दूसरी बेटी को बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, और मुझे लगा था कि ये तो बहुत अच्छे से फिट होगी। तो उसको 4.5 साल पे भेजा, लेकिन उसको फिर सिर्फ 1.5 साल में, ख्याल से 1.5 या 2.5 साल शायद भेजा, फिर उसको भी 2 स्कूल्स तब्दील किए, फिर निकाल लिया, और छोटी को मैंने भेजा ही नहीं। और वो सबसे मेरा समझे मज़ेदार तजर्बा रहा है उसके साथ कि माशाल्लाह वो 6 साल की है और किस तरह उसने खुद ही से लिखना पढ़ना शुरू किया हुआ है। वो मैं फिर यानी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये तो एक फितरी चीज़ थी ना जो अल्लाह ताला ने खुद ही इंसान के अंदर डाली हुई है। तो और फिर उसका जो इजहार का तरीक़ा, वो सारा कुछ है, वो मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितना बेहतर तरीक़ा है। तो एक तो ये बात, और तीसरी बात ये कि मैं ये भी नहीं हम कहते कि भाई हर एक के लिए ही होम स्कूल ही मतलब एक वाहिद हल है और किसी को भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने हालात जानता है, हर एक को अपने मिजाज का पता है, अपनी कमजोरियों का पता है, अपने ख़ानदान का पता है, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से जो है वो डिसाइड करेगा अपने लिए फैसला। हाँ, लेकिन अच्छा एक तो ये बात थी कि सवालात का मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। फिर मुझे एक और, बेटा कितने अर्से स्कूल गया? मेरा बेटा मेरा ख्याल है कि 3rd में था शायद, और कोविड आ गया था। अच्छा कोविड ने भी जो है वो काफ़ी आसानी की इस फैसले को करने में, वरना मेरे हस्बैंड तो थे कि नहीं यार स्कूल तो जाना है ना, मतलब ये कौन सी बात है। तो और मैं भी ज़ाहिर थोड़ी शेकी ही थी, हालांकि मुझे मसाइल नज़र आते थे, और हम यानी लिटरली ऐसा होता था कि हम नाश्ते के मेज़ पे रोज़ बस यही वाली बातें कर रहे होते थे, हम दोनों बस एक डेड एंड पे पहुँच जाते थे कि क्या इसका हल क्या है, मतलब हम तो नहीं करा सकते, घर पर तो नहीं करा सकते, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो कोविड जब आया तो हमने देखा कि जिस तरह वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और हमें उसकी काबिलियतें पता थी, यानी वो बे इंतहा उसका जहन जो है वो मशीन्स बनाता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रख लेता है कि हमें नहीं मतलब हमें नहीं आसानी से होती, और हम देख रहे थे कि टीचर उसको क्या करा रही है कि बस वो कॉपी कर लो क्वेश्चंस, और वो नीट नहीं लिखा तो इरेज करो दोबारा। मेरे जहन में आ रहा है मेरा वो सारी बातें जो तुम कह रही हो। बिल्कुल, तो वो हमें लग रहा था यार ये हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने जाया हो रहा है ना, तो ये वाली चीज थी। अच्छा फिर आप देखें कि टीचर का जो फोकस होता है ना वो ये नहीं होता कि बच्चे के अंदर तजस्सुस पैदा हो, इस इल्म की जस्तजू हो, टीम वर्क हो। टीचर को इतना ज्यादा करिकुलम मिलता है कि उसका पूरा फोकस पूरा ध्यान इस चीज पे होता है कि मैं किसी तरह करिकुलम ख़त्म करा दूं। फिर वो नहीं अप्रिशिएट करती कि भाई एक बच्चा आ रहा है जी पेट में दर्द है, एक बच्चा आ रहा है कि मेरा ये मसला हो गया, वो फिर ज़ाहिर ये चीज़ें उसके लिए रुकावट बनती हैं। फिर बच्चे पे जो स्ट्रेस होता है, आप देखें कि यानी जो स्टडीज़ हैं कि कुछ 50 साल पहले एक बहुत बड़ा बंदे को जाके जो है वो स्ट्रेस के मसाइल शुरू होते थे, अब छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, क्योंकि आप उनको जज कर रहे हैं मुस्तकिल, वो एक बोझ और एक प्रेशर में उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, या अच्छा बच्चा ये करता है, और अगर तुम इस क्राइटेरिया पे नहीं पूरे उतर रहे तो तुम एक मतलब ठीक नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई मसला है, तो ये वो बोझ जो है वो उसको ज़ाहिर है अभी से परेशान कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ है। अच्छा और फिर मज़े की बात ये कि पहले तो ये था ना कि कम अज़ कम जॉब तो एक आपकी सिक्योर हो जाती थी, अब आप देखें कि जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं उसमें तो अब ये चीज़ भी गारंटी, वैसे तो खैर जाहिर है अल्लाह के हाथ में, लेकिन बहरहाल हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह तेज़ी से एआई के बाद चीज़ें बदल रही हैं। तो आपके स्कूल सिस्टम्स बिल्कुल अपने आप को उस हिसाब से अप टू डेट नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। और आखिरी एक और चीज़ जो है वो मुझे ये लगती है कि जो मादरी जबान के साथ स्कूल्स में हो रहा है ना, आपको मैं उस पर 3 पॉडकास्ट कर सकती हूँ अगर मैं अभी बोलना शुरू हो गया। बिल्कुल, आपको फाइन होता है, और मैं ये बताऊँ कि ये यानी उर्दू बोलने पे और सिर्फ यही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो जिनको आप थोड़ा सा वैसे स्कूल्स बोलते हैं जो बहुत ही चलो कॉम्प्लेक्स में, हाँ यानी जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स चलने वाले स्कूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ है। यानी जो प्रोजेक्ट लर्निंग स्कूल था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो थी, उसमें भी ये मसला था कि आपको फ़ाइन होता था, आप उर्दू क्यों नहीं बोलें, आप उर्दू में जब कम्युनिकेट बच्चा नहीं करेगा, जब उसमें बात नहीं करेगा, उसकी कैसे जो जहनी नशोनुमा है वो कैसे होगी। तो ये वाली चीज़ों के जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हुए। तो बस एक पॉइंट आया कि हमने कहा नहीं इंशाल्लाह ये करते हैं। बट यू नो दैट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन माशाल्लाह, कि बस अल्लाह ताला से बरकत रखे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए बेस्ट करे। बट ये जो इतनी सारी जब तुम बातें कर रही थी मेरे जहन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे, ये जो स्पेशली उर्दू के बारे में कहा,
जो एलीट स्कूल्स है ना वहाँ के बच्चों को उर्दू हार्डली आती है, ना वो पढ़ पाते हैं ना वो बोल पाते हैं, क्योंकि घर में भी उर्दू नहीं बोली जा रही, वहाँ पे भी उर्दू नहीं बोली जा रही. और लाइक यही है कि एक एक्सेप्टेंस का मसला है कि अगर कोई बच्चा उर्दू, मेरी आई थिंक मेरे बेटे की कंप्लेन आई थी एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात है मैं भूल गई हूँ, जब मैंने उसका एक स्कूल बदला है, जब वो फर्स्ट स्कूल में गया था तो मैं वो बिल्कुल इंग्लिश में बात करता था, बिकॉज अनइंटेंशनली हम कर रहे होते हैं ना, नया नया पहला पहला बच्चा है और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी बच्चा भी, तो और फिर यही आई थिंक हमारा जहनों में भी होता है कि उसका स्कूल में एडमिशन करवाना है तो उसको अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो. उस चक्कर में ये हुआ कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कराची या यहाँ पर भी ग्रैंड पेरेंट से मिलने जा रहा है, तो इस तरह तो हम बात नहीं कर रहे होते, सारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब बातें कर रहे हैं, तो हम तो इंग्लिश में बातें नहीं करते जाहिर है, तो उसको समझ नहीं आता था कि सब क्या बातें कर रहे हैं, वो एक की तरफ देख रहा है, वो दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो तो फिर यू नो आई फेल्ट दिस कि नहीं, वन ऑफ अस हैज टू यू नो स्टार्ट स्पीकिंग इन उर्दू. तो फिर मैंने उर्दू में बात करना, मैंने उसको पूरी उर्दू सिखाई, और मैंने उस टाइम पे ना सलमान सिद्दीकी का लेक्चर भी सुना था कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट इन योर मदर टंग. वैसे तो मैं पंजाबी हूँ लेकिन मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, तो जब मैंने उर्दू बोलना, मुझे बहुत मेहनत लगी उसको उर्दू पे लाने में, क्योंकि वो बहुत टूटी फूटी उर्दू बोलता था, तो लाइक लिटरली जब वो सीख गया मैं इतनी खुश हुई सेलिब्रेशन मोड में कि आपको उसको सबकी बातें समझ आ रही हैं, मामू क्या कह रहे हैं, चाचू क्या कह रहे हैं, दादू क्या कह रही हैं, आपस में सब क्या बात कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बना. बच्चों के लिए इतना बड़ा लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक पूरा एक आपका मैदान होता है, बच्चा वहां से बेशुमार चीजें सीखता है, और आपने वो पूरा बंद कर दिया. वो पता है हेल्पर से बात नहीं कर पाता था कि किसी से कोई चीज मांगनी है कुछ, तो वो बेचारा बात नहीं कर पाता था, छोटा सा था बिल्कुल. और फिर वहां से कंप्लेन आ गई जी कि आपका बच्चा उर्दू बोलता है. मैं तो मतलब तैयार बैठी होती हूँ कि आए जरा मैदान में. और मैं तो पहुंच गई, मैंने कहा क्या मतलब है कि पाकिस्तान में एडमिशन कराया ना, लंदन में तो नहीं कराया, उर्दू ही बोलेगा. और मैंने तो फुल डोज वोज दी, मैंने कहा ये तो उर्दू ही बोलेगा, आपने निकालना स्कूल से आप निकाल दें. और आज के बाद इस तरह की बात जो है, अब आप देखें कि हमारी बहरहाल हमारी जो अपनी जबान है, यानी बच्चा ठीक है बेशक बच्चा एक वक्त में तीन तीन जबानें भी सीख सकता है, लेकिन उन लोगों से सीख सकता है जिनकी अपनी जबान जो है वो वाली हो. मिसाल के तौर पे कोई अंग्रेज बंदा है, अगर बच्चे का उससे इंटरेक्शन है, वो सीख लेगा. हाँ वो सीख लेगा, वो एक फितरी अंदाज है और वो जरूर ऐसे सीखे. लेकिन हमारी जो अच्छा अब जाहिर है जो वालदैन होते हैं, हम लोग तो ठीक है अंग्रेजी में बोल चाल तो कर सकते हैं, हम अपनी बात को समझे कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो शऊरी जबान है वो क्या है, उर्दू है ना, वो मादरी जबान है. तो उसमें जो हमारी वोकैबुलरी है वो 30,000 अल्फाज अंदाजन होती है, जबकि जो दूसरी जबान है जो हमने सीखी, हम चाहे बहुत ही अच्छी अंग्रेजी भी हमें आती है ना, तो हमें ज्यादा ज्यादा 3,000-5,000 अल्फाज आती है. अब बच्चे की अच्छी बात क्यों मेरा, वेरी गुड. अब बच्चे की जो बच्चे से जो आपके मुकालमात होते हैं उसका बिल्कुल ही मैार बदल जाता है कि आप अंग्रेज़ी में क्या करते हैं, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, डू दिस डू दैट, ऐसे मजामीन जो उसका दिमाग खोलने वाले हैं. मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स हो गया या साइंस हो गई, हम वो भी उसको अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं जिसकी उसको 100% समझ नहीं है, तो जाहिर है उसको फिर मुश्किल हो रही है. और फिर हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का वो मियार नहीं है या वो कुछ बड़ी चीज़ें नहीं बना रहे, तो वो इसीलिए कि हमने उनको उनका मीडियम जो उनकी मादरी ज़बान नहीं रखी. बिल्कुल. अच्छा इसमें मुझे एक और बात याद आ रही थी कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है इंग्लिश की, उसमें बच्चे इतना अच्छा कर लेते हैं कि हालांकि वो वही वाली बात है कि उनकी वोकैबुलरी लिमिटेड है, लेकिन जहाँ उर्दू की बारी आती है ना, उनको लिखा जा रहा है ना उनसे पढ़ा जा रहा है, मतलब इतना अफसोस की बात है कि मेरा बच्चा ग्रेड 3 में, लेकिन उसको मैं मतलब ग्रेड 1 की उर्दू भी वो पढ़ ले तो मुझे कमाल लगता है. इसलिए मैं ये लव्ज़ बस कुछ जो ये किताबें मैं ख़रीदती हूँ कि उसको घर पर मैं उर्दू कराऊँ. और यही बात है कि अभी जब समर वेकेशन थी ना, मैंने थोड़ा थोड़ा रीडिंग कराना शुरू करी, तो बच्चे फ़ौरन पिक करते हैं हमारी, उससे ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं. तो अभी तो मतलब इंटरव्यू का शुरू है और मुझे अभी से ही लग रहा है कि काफ़ी मेरे ना रेड फ्लैग्स स्कूलिंग सिस्टम के मुझे नज़र आ रहे हैं. अच्छा सो एक चीज़ हमारा ये कि जैसे अगर कोई पेरेंट सोचता है ये देखकर, या वैसे भी सोचता हो जैसे मुझे ऑन एंड ऑफ ख्याल आता है कि हम होम स्कूलिंग क्यों करें, क्यों चूज़ करें हम होम स्कूल. अभी हमने काफ़ी ट्रेडिशनल स्कूल्स के मसले तो डिस्कस कर लिए, लेकिन आई एम श्योर होम स्कूलिंग के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. वो तो हम मेन तो हम कौन जो लोग समझते हैं सोशली एक्टिव नहीं होता, वो तो हम उस पर आएंगे. बट पहले आप मुझे ये बताएं कि फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम होम स्कूलिंग की तरफ जाते हैं तो. सही. अच्छा होम स्कूलिंग बुनियादी तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आना शुरू हुए ना,
तो उनको ये लगने लगा है कि फितरी तौर पे भी, अक्ली तौर पे भी, मतलब मंतकी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे, तारीखी तौर पे, स्कूल्स वो तालीम और तरबियत का वो काम नहीं कर पा रहे जो घर पे हो सकता है. ठीक है. अच्छा, होम स्कूलिंग के या अनस्कूलिंग जिसको कहा जाए, अनस्कूलिंग भी मतलब होम स्कूलिंग से एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसमें फिर अनस्कूलिंग और बहुत सारी और तरीक़े से ऑनलाइन स्कूलिंग, पार्शल स्कूलिंग, वर्ल्ड स्कूलिंग, ये सारी तरह की स्कूलिंग आती है. तो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात लोगों को लग रही है ना, वो ये कि इंसान जो इस दुनिया में आता है ना, वो एक मकसद के लिए ना, कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, ये उसका बुनियादी सा सवाल होता है. और उससे पहले हाँ, एक मतलब मेरी एक मीनिंगफुल लाइफ का क्या एक हाँ राह क्या है, ठीक है, बामायनी जिंदगी में कैसे गुजार सकता हूँ, और वो सवालात उसके शुरू हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र से. के और बहुत मुश्किल सवालात होते हैं बच्चों के. तो बच्चा वो चीज़ जो है वो जब स्कूल में जाता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सारी जो उसका जो मकसद बना दिया जाता है बच्चे का, वो ये कि तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, फिर तुम्हें डिग्री लेनी है, ताकि तुम अच्छी जॉब करो, ताकि तुम अच्छा कमाओ, और ताकि तुम अच्छा खर्च करो, ताकि तुम ज़्यादा खर्च करो, तुम अपनी अपनी स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा लो, अपना मयार ज़िंदगी बढ़ा लो. तो आपका जो यानी आपकी जो समझे पूरी ज़िंदगी की एक सिमत है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है. तो बहुत से लोग नज़रियाती तौर पे भी इस चीज़ को अपनाना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद जो है वो एक बच्चा खुद ही से पहचाने, सवाल कर करके पहचाने. एक तो ये मुझे फ़ायदा लगता है, और बहुत से लोगों की भी यही जो है वजह होती है होम स्कूलिंग को करने के लिए. दूसरी चीज़ है कि तख्लीकी सलाहियतें जो है ना, आपकी होम स्कूलिंग में बहुत अच्छे से परवान चढ़ सकती हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास फारिग वक्त होता है, आपको किसी का प्रेशर नहीं होता, किसी का बोझ नहीं आपके ऊपर है कि भाई तुम्हें सही करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें लाइंस में जो है वो रंग करना है. आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई भी मतलब बच्चे क्या होता है, ये उठाया फलानी चीज़ का पुराना, यानी यकीन कर रहे हैं मुझे इतनी मुश्किल होती है, बच्चे दवाओं के डब्बे भी मुझे नहीं फेंकने देते, और वो उससे भी कुछ ना कुछ बना के मुझे दे रहे होते हैं. अंडे की जो ट्रे आती है उसमें भी कुछ वो काट कूट के जो है वो कुछ बनाया हुआ होता है. तो बच्चों को कोई आपको ज़ाहिर आज़ादी दे रहे हैं, ना पेयर प्रेशर है, ना टीचर का प्रेशर है, ना एक जो है वो ख़ास आपके लिए आउटलाइन डिफाइन हुई हुई है कि नहीं भाई ऐसे ही करना है, तो वो तख्लीकी सलाहियतें भी बहुत उनकी बढ़ जाती हैं. अच्छा, दो चीज़ें हूँ मेरा, लोग मुझे बड़ा इस पर बैश करते हैं यार कि मैं इंटरप्ट कर देती हूँ, तो भाई सवाल जहन में आते हैं तो इंटरप्ट करती हूँ. और मुझे लगता है कि एज एन ऑडियंस जब मैं सुन रही हूँ, तो अगर ऑडियंस के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो माजरत यार, मैं सीख रही हूँ, नया नया पॉडकास्ट कर रही हूँ. तो पहले ये सवाल मेरे जहन में आया, जैसे आपने कहा कि क्रिएटिविटी को लिमिट कर दिया जाता है स्कूल्स में, और मैं मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि उन्होंने एक लकीर खींची होती है, और उन्होंने साल के आखिर में ना उन सारे बच्चों को उस लकीर पर उसके एंड तक लेकर आना होता है. अब कोई बच्चे बहुत फास्ट पेस्ड होते हैं लर्निंग में, फौरन सीख जाते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं, लेकिन वो फास्ट वालों को भी वेट कराते रहते हैं कि MAT, 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 पूरा 10 दिन वो MAT, MAT पढ़ाते रहते हैं कि फास्ट वाला बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो उन्होंने तो अपना क्राइटेरिया डिफाइन करा, लेकिन घर तो आपने ना एक उनको एक खुला मैदान दिया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हो. दूसरा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है जो ये क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर है या एक इंसान के अंदर है कि वो क्रिएट करना चाहता है, बिल्कुल वो बनाता है आइडियाज. तो एक यहाँ मेरे जहन में दूसरा सवाल ये आ रहा था कि क्या टाइम, जैसे लोगों को लगता है जो हम सुबह अभी बात कर भी रहते हैं बिफोर दिस, कि सुबह 8 से लेके हमें 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चों को बिठा के तो मैथ तोड़ दूँ, तो साइंस तो इंग्लिश कराना होगा, तो क्या इस तरह होम स्कूलिंग होती है? नहीं नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो बाकायदा स्कूल को ही घर लेकर आ जाते हैं. तो उसके तो आपको यानी तकरीबन समझें, अगर होम स्कूलिंग के 100 फ़ायदे हैं तो आपको 1-2 फ़ायदे ही मिल रहे हैं उसके ज़रिए ना, और आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है, और आप उसी को दोबारा उसी डब्बे में ही बंद कर रहे हैं. हाँ, तो आपके हिसाब से जो बेहतर तरीका है वो क्या है कि हम उनको लेट देम बी, हाँ लेट देम बी, या फिर ये कि आप उनसे उनके गोल्स सारे डिस्कस करें कि भाई आप चाहते क्या कहें, अच्छा फिर आप कैसे इसको, आप इस तक पहुंच कैसे सकते हैं, जो आपका मकसद है इस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, फिर आप उनके साथ उनके हिसाब से प्लानिंग करें, उनके जो है वो अलग से टारगेट्स रखें. और फिर ये कि कुछ चीज़ें, अब आपकी वही वाली बात है कि हर बच्चा अलग होता है. कि अगर तुम लाइक फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह यू हैव 3 kids एंड दे आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो एक जहन में ये भी सवाल आता है कि एक अलग क्लास का बच्चा, एक अलग क्लास का बच्चा, एक अलग क्लास का बच्चा, तो तीनों को साथ होम स्कूल करती हो कि अलग अलग करती हो, साथ बैठा कर करती हो, तो कैसे मैनेज होता है, कितना वक्त लगता है? हाँ,
अच्छा मेरे बच्चे ना जब से हमारी डिस्कशन हो गई है कि करना किया है तो वो तकरीबन पूरा दिन कर रहे होते हैं, यानी कभी कोई बच्चा किताब पकड़ के बैठ जाएगा और कभी कभी ये होता है कि मैं तंग भी आ जाती हूँ कि भाई मैं, क्योंकि मैंने उनको ये कहा हुआ है कि देखो मैं सुबह 10 से 12 बजे ना आप लोग के लिए इस लिहाज से आप खुद से देख लो। और पता है क्या, बच्चे पे खुद से जो कोशिश करते हैं ना कि ठीक है अम्मा नहीं है, खुद वाली कोशिश किताब से है या गूगल से है, वो कभी गूगल से है, कभी कोई ऑनलाइन क्लास है जैसे अरबी की ऑनलाइन क्लास हो गई, या फिर अब तो बहुत कोऑप्स होते हैं, बहुत मजे मजे के जो है वो क्लब्स बन गए हैं। और प्लीज मुझे डिटेल्स अबाउट द अरबी क्लासेस एंड क्लब्स। हां हां जरूर, बिकॉज़ आई डू फील वेरी मोटिवेटेड। बल्कि पूरी एक कम्युनिटी है होम स्कूलिंग की, वहां पे इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स आते हैं कि आपको वो करना पड़ता है कि भाई आप कहाँ पे अपने बच्चे को कराएं कहाँ नहीं कराएं। और माशाल्लाह फिर हम सोशलाइजिंग पे खैर मजीद बात कर लेंगे उसमें, लेकिन ये कि ये वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है, उसके अंदर कोई बहुत खास सलाहियतें होती हैं। तो आप उनको यानी अब 11 साल में मेरे बच्चे ने यूडेमी से इंटरनल कम्बस्शन इंजन्स पे जो है वो कोर्स कर लिया, क्यों, क्योंकि उसकी ये चीज़ ज़्यादा थी तो उसको करवाया, उसको फैसिलिटेट किया, उसने कर लिया। लेकिन जहाँ वो पीछे है तो स्कूल तो उसको वहीं पे लेके रखता है ना कि नहीं तुम्हारी तो राइटिंग अच्छी है, यहाँ फंसे हुए हो, मैथ्स पास करो, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, मैथ्स पे फोकस करो। अच्छा उसका मिसाल के तौर पे ये है कि मेंटल मैथ्स बहुत अच्छी कर लेगा, लेकिन वो जो होता है ना डिवीजन के लिए वो पूरा, तो वो उसमें फंस जाता है, तो उसको उसमें बहुत वक्त लगा उसको सीखने में। तो लेकिन घर में चूंकि फ्लेक्सिबल था ना तो उसको वक्त मिल गया, लेकिन स्कूल में क्या होता कि उसको ये बात उसके जहन में डाल दी जाती कि भाई आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, और उसके जहन में ये बात आती कि मुझे मैथ्स बुरी लगती है। और बच्चे आके कहते हैं उमेरा बकायदा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये, हालांकि मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कोशिश होती है कि पॉजिटिव अप्रोच रखूं, और मैंने ये बनाया हुआ है घर में कि नोबडी इज गोइंग टू से आई कांट डू दिस, योर मदर योर फादर एंड द किड्स, नोबडी इज अलाउड टू से आई कांट डू दिस, वी हैव टू लाइक कीप पुटिंग इन द एफर्ट कि हम कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन वो अक्सर जब इस तरह इतना कुछ सुनकर आता है कुछ तो, और एंड माशाल्लाह मेरा बच्चा अच्छा हाई अचीवर है, ये नहीं है कि वो बहुत ही, और मुझे लगता है मैं भी हाई अचीवर थी स्कूल में, और मुझे लगता है कि उन बच्चों बेचारों के पर तो क्या गुजरती होगी जो हम तो फिर भी थोड़ा हाईलाइटेड और स्टार स्टूडेंट्स होते थे, हमें प्रोटोकॉल्स मिलते थे, इसलिए हमें स्कूल पसंद था, पता है हमें प्रेज और वो एक्सेप्टेंस, जाहिर सी बात है वो टफ टाइम मिला, ट्रॉफीज मिल रही होती थी, और मुझे नहीं पता हाउ अदर किड्स यू नो दे कोप विद इट, जो बच्चों को नफरत हो जाती है स्कूल जाने से, जाके बैठने से। अच्छा एक और सवाल बहुत अच्छा जहन में आया था जो निकल गया है। अच्छा सोशलाइजिंग का पहले हम कर लेते हैं। हाँ, हाँ. कि सोशलाइजिंग का बताएं। अच्छा टाइम का तुमने कहा कि 10 to 12 तुम अवेलेबल हो, 2 घंटे सुबह दे देती हूँ, फिर अच्छा और बहुत सी इसके अलावा जाहिर है हम चीजें करते हैं तो वो फिर आउटडोर क्लब्स वगैरह, आउटडोर भी है जाहिर, फिजिकल का हमेशा होता है कि जैसे आजकल पूरा एक महीना स्विमिंग पे जा रहे हैं। अच्छा। या फिर फुटबॉल पे जाएंगे, वैसे फुटबॉल पे जाएंगे, टाइक्वांडो सीख रहे हैं। अच्छा। तो यानी मुस्तकिल हमारी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हम लोग की होती रहे, तो डेली रूटीन में होती है। हाँ कुछ चीज़ें डेली रूटीन में होती है, रोजाना की बुनियाद पे कुछ चीज़ें जो है, अब जैसे स्विमिंग है तो हमने फिर ये गर्मियों के लिए एक महीने के लिए रखा था। अच्छा तो इस तरह हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करने कोशिश करते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज़ दिस क्लास आफ्टर स्कूल जो हम एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, ए बच्चों के पास एनर्जी नहीं होती, वो थके हुए इतना आते हैं, और बी दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये इट्स वेरी स्मार्ट कि यू नो यू कैन सेव दैट मनी एंड यू कैन यूज दैट बिल्कुल फॉर अदर गुड थिंग्स। बल्कि अगर आपके पास इतना ही है ना, आप स्कूल के बजाय उसको ट्रैवलिंग पे ट्रैवल करा दें, और ट्रैवलिंग भी वो वाली जिसमें थोड़े से आपके मतलब चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे रोड ट्रिप्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा बच्चे सीखते हैं कि अच्छा किस तरह ये करने के साथ वो करना है। हाँ अगर आप मसले में फंस जाएंगे तो क्या करना होगा, तो ये वाली चीज है जिंदगी प्रैक्टिकल। बिल्कुल अच्छा अब दोबारा वो सवाल याद आया, वो ये कि मुझे मैथ्स से ना बहुत नफरत रही है पूरी जिंदगी, क्योंकि इतना प्रेशर होता था कि पूरे नंबर आ सकते हैं इसमें, अब वो जो पूरे नंबर थे ना उसने मुझे नफरत करा दी मैथ से, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस लेती थी कि 100 में से 100 ही आने तो इतनी परसेंटेज बनेगी और इतनी परसेंटेज बनेगी, यू नो पूरा वो कैलकुलेट किया हुआ होता था। अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो एक टीचर बच्चा नहीं तो जिसके 2 नंबर कटते हैं वो बैठ के रो रहा होता है कि मेरे 2 नंबर कट गए और लोग समझते हैं कि ये फेल हो गई है, वो वाली सिचुएशन होती थी। सो खैर आई ग्रू अप हेटिंग मैथ्स और लाइक करती थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नफरत के साथ ही आई हेट मैथ्स करके। अब मसला ये है कि मेरे जैसा पेरेंट अगर होम स्कूलिंग के बारे में सोचता है तो मैथ्स इज माय ट्रॉमा। अच्छा तो फिर वो क्या करे,
मैथ्स को कैसे पढ़ाए. हाँ अच्छा देखिए, बहुत सी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वालदा ही को हर चीज़ आती हो. देखिए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना. यानी अगर मुझे, मैं वैसे मैंने मैथमेटिक्स ही किया, मैं बैचलर्स है, मेरा मेजर ही मैथ्स का. और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक दफ़ा बोर्ड के नंबर, बोर्ड का पेपर था और मेरे कुछ मार्क्स कटे थे मैथ्स में और मुझे था कि मेरा पूरा ठीक हुआ था 100. अच्छा घर वाले खुश कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आ गया. और ये वो मैं कोने में जाके रो शाह की नमाज पढ़ के रो रही थी और मेरी बहन आई है और उन्होंने पूरे घर में हंगामा किया, क्या बंदी है कि ये इस बात पे. और वाकई में ये होता है. और इसको ना एक किताब है माइंडसेट्स, कैरल एस ड्वेक की, उसने ना ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का बहुत अच्छा जिक्र किया. ये मुझे और उसने बताया जो मेरी होम स्कूलिंग दोस्त थे, ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट का. और उसने ये बताया कि जो तारीफ होती है ना, ये प्रेज होती है, ये आपको फिक्स माइंडसेट पे लेके चली जाती है. क्योंकि फिर आप उससे नीचे नहीं आना चाहते, आप उस जगह नहीं आना चाहते जहाँ आपको लगता है कि जी आप बहुत अच्छा नहीं, मतलब कारकर्दगी आपकी बहुत अच्छी नहीं हो कि आप उस पे नहीं आना चाहते. और इतनी प्रेज है मुझे लगता है आजकल के स्कूलिंग सिस्टम में, एक सर्कल भी बना दे, ओ अमेजिंग, ग्रेट, वाओ, स्टार्स मिल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्स लग रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना भी प्रेज करूं, वो इतना हाइप्ड होके वहां से आते हैं कि आई एम डूइंग. एक तो मतलब बच्चों में ये भी मसला है कि और आपको पता है कि ये बाकायदा ये मसला आगे जाके ये यानी कि पूरे कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये मसाइल होते हैं कि लोगों को प्रेज की आदत हो चुकी होती है. तो ये उसी किताब में बड़ा अच्छा इसके, हां बात, बिकॉज़ आई थिंक वो ट्रेन करते हैं आपको टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. और वो सिस्टम क्या चाहता है, स्लेव्स चाहता है. और स्लेव्स कैसे बनते हैं कि तारीफ, पैसा, सब कुछ दे दो लेकिन अपना स्लेव बना के रखो. ये आपको पता है कि स्कूल्स जो बने हैं वो कब कब हुए, कि ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी के मिड में, तो तब उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जहाँ पे एक ऐसी फौज तैयार हो या ऐसे ऐसे इंसान तैयार हों जो वक्त पे आएं, घंटी बजे आएं, घंटी बजे चले जाएं, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी कारकर्दगी हो, अच्छी कारकर्दगी पे उनको जो है वो कोई समझे, मेडल और ट्रॉफी. बिल्कुल. और जो वो नहीं कर सके वो गंदा है, जो कर सके वो अच्छा है. मतलब आप बिल्कुल यही चाह रहे हो और आपने उसी के लिए स्कूल्स फिर बने थे. और फिर ये तो ये तालीम के लिए, यानी आपके अंदर तालीम का शौक पैदा करने के लिए नहीं, पैदा लव फॉर लर्निंग. हाँ तो ये मुझे भी लगता है कि बच्चों में सीखने का शौक नेचुरली होता है. आप देखो घर में अगर आप उनको कोई भी आर्ट पेंट करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, वो एक लेवल आगे लेके जाते हैं आपको हर चीज़ में. लेकिन जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं. अब बहुत सारी माएँ मुझे कहते हैं कि बच्चे होमवर्क करने नहीं बैठते, नहीं बैठना चाहते. वो उनको लिटरली बच्चों को नफरत है पढ़ाई से. बिल्कुल. और ये सिस्टम मुझे लगता है कि ये नफरत करा देता है बच्चों को. आप सोचें 8 बजे से आपको मैं यहाँ बैठाऊँ, रात दोपहर के 3 बज गए हैं और एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही उस पे चले जा रहे हैं. और टीचर्स का भी मैं कहती हूँ उनका कसूर नहीं है, वो भी इंसान है. बिल्कुल नहीं. लेकिन एक बच्चा कह रहा है मुझे वॉशरूम जाना है, एक कह रहा है मुझे यहाँ दर्द है, एक फिर थोड़ा सा नॉटी है, क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. तो मेरे बच्चा भी ये कंप्लेन करता है. लाइक माय किड्स आर माशाल्लाह गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इस्लामाबाद, लेकिन वो भी ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि टीचर नहीं सुन रही होती, नहीं जवाब दे रही होती. और लाइक अगर बार बार कहो ना तो शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड शी सेज के you were not paying attention, you were not listening, you know, कि blaming के बच्चे पे डाल दो. भाई हो सकता है वो सुन रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो. हाँ बिल्कुल. तो वही है ना कि वो नहीं कर पाती. और आप देखें कि बच्चे जब इतनी देर बैठते हैं ना, उनके पेट में भी दर्द हो रहा होता है. वो छोटी छोटी जाहिर चीजों को लेकर आते हैं और वो नहीं, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो 15 बच्चे भी अगर हैं तो उनको सबको जो है वो 25 बच्चे हैं अब तो माशाल्लाह. हाँ मतलब अच्छे स्कूल में तो चलो 12-15 इस तरह है, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है. अच्छा तो अब अगला सवाल ये है कि व्हाट शुड पेरेंट्स कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग टू होम स्कूल, कि क्या क्या कहते हैं ना कि अपना मैं क्या क्राइटेरिया बनाऊँ जिसपे मैं अपने आप को जज करूँ कि मैं इस काबिल हूँ एज अ मदर या एज अ फैमिली. जो आप कह रही है ना कि जैसे ये मुझे अच्छी बात लगी कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं, मे बी योर हस्बैंड कैन टीच, यू नो दैट्स आल्सो यू कैन टेक हेल्प. और इसी तरह अगर फैमिली में रहते हैं तो उर्दू दादियों की, नानियों की कितनी अच्छी होती है, तो वो आप उनको कर दें कि वो सिखा दें. और बच्चे शौक से भी करेंगे ना कि एक बंदा मुझे ये करा रहा है, एक बंदा मुझे ये करा रहा है. तो ये मुझे बताएं कि मैं अपने आप को कैसे एनालाइज करूँ. लेट्स से कि मैंने सोच लिया है कि चलो इंशाल्लाह मैं करूँगी, मैं इस पर और रिसर्च करूँगी, मैं पढ़ूंगी, मैं सीखूंगी. लेकिन अब ना कॉन्फिडेंस की जो कमी है एक पेरेंट्स में, मुझ में भी है, मुझे भी लगता है कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है. फिर एक फेयर है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मैं पूरा उनका फ्यूचर उस पर लगा रही हूँ रिस्क पर, कि अगर मैंने बीच में मेरी बस हो गई या कुछ हो गया तो ये कैसे मैनेज होगा. इसका प्लीज़ मुझे बताएं कि हाउ कैन वी एनालाइज आवरसेल्व्स
our strengths, our weaknesses and how can we work on those things कि हम करें फिर इंशाल्लाह. नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है और वाकई में यही वो चीज़ होती है जहाँ पे हम रुके हुए होते हैं और बहुत अरसे भी रुके रहते हैं. लेकिन एक चीज़ समझने की इस पे ये है कि देखें, ये चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे ही ऊपर डाली है ना, वालदैन पे तालीम और तरबियत डाली है की जिम्मेदारी डाली है और हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं. ठीक है, और आउटसोर्स भी थोड़ा बहुत नहीं करते कि चलो ठीक है वो जाके, हाँ वो दिन का आधे बल्कि आधे से ज़्यादा ट्रैफिक में फंस फेंक के जब वो आता है और फिर वो उठ के होमवर्क भी कर रहा होता है और फिर रात में जल्दी सो रहा होता है, तो समझे कि दिन के आधे से ज़्यादा हिस्सा हमने उसको उसकी तालीम और तरबियत आउटसोर्स कर दी है ना. तो अल्लाह ताला ने मुझे जब वालदा बनाया या मेरे शौहर को वालिद बनाया, उसने ज़िम्मेदारी हम पे डाली थी और हमेशा से वालदैन ये ज़िम्मेदारी उठाते रहे. मतलब ये कोई अलग, देखिए स्कूल्स की तारीख कितनी पुरानी है, आप देखें कि 150 साल या 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, खासकर यहाँ पे तो एज एन इंस्टीट्यूशन. तो अब ये फितरी तो ज़्यादा ही उठा सकते हैं, ठीक है ना. और फिर एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि ना हम चूँकि सिस्टम की पैदावार है ना, तो हमारा बहुत सा भरोसा सिस्टम पे ही है और हमें लगता है कि हम सिस्टम से छूटेंगे ना या सिस्टम से दूर तो हम तो शायद डूब जाएंगे. हाँ, और हम मतलब हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे क्योंकि हमारा इतना भरोसा उस सिस्टम पे कि भाई मैट्रिक में नंबर अच्छे आएंगे तो समझो, अगर नहीं एडमिशन होगा. बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है उमेरा, वो ये कि लोग भी ये समझते हैं और पूछते भी हैं कि कब तक घर पे रख लेंगे, मतलब बाहर तो भेजना ही है नौकरी के लिए, बाहर तो भेजना ही है, मतलब कॉलेज में होम स्कूलिंग ख़त्म होती है, यूनिवर्सिटी में ख़त्म होती है, कब ख़त्म होती है होम स्कूलिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाले सवाल का भी मैं आपको जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पिछली एक बात और है जो वालदैन की हम बात कर रहे थे ना कि उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, तो दूसरा ये कि इस पर ना हमें अपने आप को थोड़ा सा और टाइम देना पड़े, यानी आप रिसर्च करें अपने ऊपर. अगर आपको कोई कोर्सेस करने पड़ जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वाकई आप नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस पहले बनाना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, पेजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, कोर्सेज हैं. तो बजाय इसके कि हम बच्चों पर इतना ज़्यादा ज़्यादा हम सारे वसाइल खर्च कर रहे हैं और हम परेशान भी हो रहे हैं, हम थोड़ा सा वक्त और थोड़े से वसाइल अपने पे खर्च करके ना अपने आप को बिल्ड करें, अपना कॉन्फिडेंस इस पे वो एस्टैब्लिश करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी आसान हो जाएगी. आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये एक तो मैंने पूछा कि पेरेंट्स अपने आप को एनालाइज किस तरह करें, उसमें आपने ये कहा कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख ले एंड देन यू नो वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट. उसका सवाल मैंने क्या पूछा था मेरे अपने बहन से? हाँ, कि होम स्कूलिंग खत्म कब होती है? हाँ, स्कूल में खत्म होती है, कॉलेज में खत्म होती है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो होम स्कूल करते हैं 10-11 साल, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं या फिर कॉलेज तक करनी है, यूनिवर्सिटी तक करनी है, और फिर वो दोबारा क्या वो कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होता कि क्या उनको मुश्किल लगता है बच्चों को, या फिर जो लोगों को ये लगता है कि सारा किया धरा तो ज़ाया हो गया, अब तो वो बन गए सिस्टम का हिस्सा, तो इसका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, इसके बारे में सर सलमान आसिफ सिद्दीकी ने भी बड़ा अच्छा जवाब जो है वो दिया था कि एक तो खैर इससे पहले एक बात यह है कि होम स्कूलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को घर बिठाया हुआ होता है, बच्चा आपका बहुत बाहर निकलता है, बहुत लोगों से मिलता है, सोशलिंग वाला, सोशलाइजिंग वाला जवाब पहले तो वो बहुत सारी एक बड़ी कम्युनिटी है उसमें निकलता है और फिर बच्चा अपनी उम्र के बच्चों तक महदूद नहीं होता, वो बड़ों से भी सीख रहा होता है. तो अच्छा होम स्कूलिंग कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, बिल्कुल बहुत अच्छी, और वो इतने लोग होते हैं कि सोशलाइज हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, अच्छे बड़े ग्रुप्स होते हैं, बच्चों को बहुत भी लोग वैसे नहीं चाहिए होते, अगर 5-6 ढंग के इंटरेक्शन है तो काफी है, तो वो बच्चा अपने खेलते हैं और हर तरह के बच्चे जो आपस में खेल रहे होते हैं, हर उम्र के बच्चा आपस में खेल रहा होता है. तो एक तो ये कि बच्चा घर पे नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसको कोई हवा नहीं लगी. हाँ, ये जो कहते हैं ना घर की बस 4 दीवारों में बंद करके माँ बाप ने बिठाया हुआ है और पढ़ा रहे हैं उसको, तो मैंने कहा ना कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से वो जो मैं उस बच्चे से मिली और माशाल्लाह वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना वोकल, इतना एक्सप्रेसिव, माशाल्लाह उसका 6 साल का बेटा है जिस दोस्त की मैं बात कर रही हूँ, और एंड आई वाज अमेज्ड. मेरा बेटा अभी 8 साल का है, वो अभी Grade 3 में गया है, वो Grade 3 का कोर्स पढ़ रहा है बच्चा 6 साल में, क्योंकि वो कोई लॉक्स नहीं लगे हुए कि आपने ये अब पढ़ाना है, और वो ब्रेक्स भी बीच में आ जाते हैं, जाहिर है लाइफ ऑल्सो हैपन्स कि आप नहीं कर पाते हैं तो वो ब्रेक्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी माशाल्लाह इस पेस से. बट खैर, अच्छा एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि मेरी डिस्कशन ही उनसे हुई, उसमें ये पता चला कि होम स्कूलिंग के भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी.
बहुत सारी। हाँ तो कैसे क्या चूज करना है ये कैसे पता चलेगा? ये फिर आप वही है कि जब आप इस पे रिसर्च करेंगे, जब आप इस पे पढ़ेंगे, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? मैं वैसे अनस्कूल करती हूँ। अनस्कूल मतलब जिसको, लेट देम बी, जिसको हाँ, जिसको फितरा लर्निंग भी कहते हैं या नेचुरल फ्री कुछ कहते हैं, नेचुरल लर्निंग भी कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि अब हर बच्चे का ना बाकायदा, जैसे मैं बैठ के सोचती हूँ कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या शौक है, इसके अंदर क्या महारत है, इसको इसको इस फिर तौर से कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, इसको फिर उसको ऑप्शंस देते हैं कि भाई ये आपको करना है। जैसे मेरी बेटी है, मिसाल के तौर पे उसको कैनवा का शौक है या उसको क्रोशे का शौक है, तो इसको फिर किस तरह इस तरह के क्लासेस या हाँ कि हम इसको वो करें। या मेरा बेटा है, उसको अगर मशीन्स का शौक है, उसको मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अब तो वो ऑनलाइन कोर्सेरा पे इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो छोटा बच्चा भी आराम से कर लेता है। तो ये वाली चीज़ है कि अनस्कूलिंग में ये होता है कि आप फिर बाकायदा, जैसे अब छोटी बेटी है ना 6 साल की, उसको मैंने एक दफ़ा भी अलिफ बे पे ते नहीं कराया, लेकिन अब वही बात है कि वो फितरी तरीके से वो लिखना पढ़ना भी सीख रही है, उसको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, मुस्तकिल उसके जहन में नंबर्स चल रहे होते हैं। तो हर बच्चे का जो शौक़ है आप उसको उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा इसको फिर मैं कैसे जो है वो मज़ीद इसके लिए समझें, इसको क्या क्या मुहैया कर सकती हूँ, क्या प्लेटफॉर्म्स दे सकती हूँ। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मुझे ये बताएं कि जैसे लेट्स से कि मेरे दो बच्चे हैं, तो वो ठीक है, मैंने टाइम डिफाइन कर दिया कि सुबह 2 घंटे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के लिए अवेलेबल हूँ, और उस दौरान लेट्स से कि हम कोई बैठ के एक्टिविटी करते हैं, कुछ करते हैं, उसके अलावा लाइक आप कह रही है पूरा दिन ही लर्निंग चल रही होती है बच्चों की, तो उसमें आप ज़रा मुझे बताएं कि अगर मैं डिफाइन कर दूं आवर्स, दोनों के लिए करने पड़ते हैं या अलग अलग करने पड़ते हैं? मैं तो यानी तीनों बच्चों के लिए मैंने एक ही वक्त रखा हुआ है, लेकिन फिर ये होने लगा कि जो छोटी बच्ची है वो मुझसे आके जब कुछ कह रही होती थी तो जाहिर उसको तो ज़्यादा बताना पड़ रहा होता था, एक्सप्लेन। तो हाँ फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, आपको तो मैं इन दोनों के साथ नहीं करा पा रही हूँ ना, तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि 1 बजे के बाद मैं आपको आपके साथ बैठ जाया करूँगी। अभी होता है कि कभी मैं कहती हूँ कि आ जाएँ, तो वो कहती है कि नहीं अब तो मैं खेल रही हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, और कभी वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ, तो वो कर लेते हैं हम लोग बैठ के। तो इस तरह उस यानी समझे कि जैसा भी चाह रहे हैं बच्चे वैसा होता रहता है। तो जिस तरह ये एग्जाम्स होते हैं स्कूलिंग सिस्टम्स में, साल के आखिर में जी एक ही पेपर बनता है और सारी 25 बच्चों को उस पर एनालाइज करते हैं और आगे धक्का दे देते हैं कि जी चलो आप पास हो गए, आप फेल हो गए, दोबारा पढ़ें, तो वो कैसे होता है? आपके क्या क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का या दोबारा पढ़ाने का या क्लास जम्प कराने का, क्या होता है सिस्टम? बच्चा और मैं खुद ही फैसला कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरी बेटी है, उसको हुआ कि मैंने 4th के हिसाब से सारी चीज़ें कर ली हैं, और अब क्योंकि वो अपने भाई का देख रही थी जब उसकी 5th ग्रेड की किताबें थी, एक आदमी बेटी कितने साल की है माशाल्लाह? बेटी मेरी 9 साल की, तो उसने कहा मुझे 5th ग्रेड की चीज़ें करनी है, तो उसने एक उर्दू की किताब, उसको उर्दू का शौक हो गया है, बेटे को नहीं है उसको है, तो उसने कहा मुझे ना आप 5th की ही सारी चीज़ें लाए और मुझे मैं पूरा कोर्स ख़त्म करूँ, उसको इस तरह का शौक हो गया। तो अब मैंने कहा ठीक है आप अगर आपको लगता है आप कर सकती हैं तो आप कर लें, तो उसको ला के देखी, उसने देखा, उसने कहा हाँ मैं ये करूँगी। तो अब खैर उस पर हम आगे भी बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों की गलतियाँ नहीं निकालें तो फिर वो काफ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, और जज करना भी क्यों है ना बच्चों को, बच्चा अपना सीख रहा है और जो उसका गोल है, तो फिर जाके ये कि अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आपका पहले भी सवाल ये था कि कब तक कराना है, कुछ बच्चों का होता है कि नहीं हमें यूनिवर्सिटी जाना है, हमें डिग्री चाहिए, कुछ बच्चे ऐसी स्किल सीख लेते हैं और उससे फिर बाकायदा बिजनेस शुरू कर लेते हैं जो भी, और उनको लगता है कि हाँ हम अपने मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे ये जिम्मेदारी डाली है कि हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं माशी तौर पे भी, तो हम इस जरिए कर रहे हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी के डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये उनके अपने उस पर होता है, तो अगर उसने सोचा है कि मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना है तो ठीक है, फिर उस हिसाब से उसको अपने आप को जज करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक आप कह रही हैं कि जो हम जब जैसे जैसे हम स्कूल वो करते हैं होम स्कूल, वो चीज़ें फिगर आउट होती रहती हैं, बच्चा बड़ा होता रहता है, अपने डिसीजन लेने लगता है। और मैं आपको बताऊँ हमें लगता है कि क्योंकि जाहिर है हम स्कूल भेज रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि अगर हम बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे तो वो तो कुछ करेगा ही नहीं। असल में तो वो हमने वो चीज़ उसके अंदर मार दी है ना, आप यकीन करें बच्चों के अंदर खुद ये चीज़ होती है कि मुझे अब क्या करना है, मैं क्या करूँ और मुझे मैं आगे जाके क्या करूँगा और मैं मेरे ज़िंदगी का ये मकसद है, तो फिर मैं उस हिसाब से ये चीज़ मैच कैसे करेगी, मेरा ये शौक़ है
ज़िंदगी का ये मकसद है तो मैं कैसे इन दोनों चीज़ों को अलाइन, बच्चे खुद ये सवाल पूछते हैं, अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर ये चीज़ डाली है, क्यूरियोसिटी है। अच्छा, और अभी जो तुम बात कर रही थी ना कि स्कूल इतनी देर बाद बच्चे आ रहे होते हैं घर, तो ये मुझे भी फील होता है कि बच्चे घर ही 2:30-3 बजे पहुँच रहे हैं और लेट्स से 7:30 उन्होंने बेड में जाना, तो मेरे पास कितना कम टाइम है कि मैं उसमें क्या क्या स्क्वीज करूँ, अगर कोई आउटडोर प्ले कराना है, अगर मैंने उनको 1-on-1 टाइम देना है, वो इतने एग्जॉस्टेड होते हैं, देर जस्ट लाइक कि यू नो लेट अस प्ले, आप क्या मतलब। मैं कुरान का चाहती हूँ कि मैं थोड़ी देर उनको, कारी साहब भी आते हैं लेकिन मुझे होता है कि ट्रांसलेशन शुरू कराऊँ, आप बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको समझ में आया आयतों के मायने, लेकिन वो कोई शौक ही नहीं, कोई वो ही नहीं होता, उल्टा वो थक रहे होते हैं और फिर मुझे कोई और चीज पढ़ानी ना तो आप जरा जबरदस्ती भी पढ़ा लेंगे, लेकिन कुरान में तो होता है ना कि मोहब्बत से पढ़ाएं कि वो अटैचमेंट उनकी बन रही होती है, तो मुझे ये होता है कि मैं डांट डपट के तो उनको आयते नहीं करा सकती, होमवर्क तो चलो उनको पता है मजबूरी करनी है कल टीचर ने वरना कुछ सुनानी है, लेकिन कुरान में तो उनको पता है। आपने बहुत अहम मसाइल का जिक्र किया, एक तो ये कि वक्त बहुत ज़ाया है, आप देखें कि प्री स्कूल में 80% ऑफ द टाइम आप क्या करा रहे हैं बच्चे को, फोनिक्स, भाई क्यों इतना वक्त लग रहा है, एक बच्चा बहुत जल्दी सी, एक तो खैर सिखाने की जरूरत क्यों है, आप सीधा सीधा अल्फाज से जब बच्चे को सिखाते हैं तो वो उसको उसके उसका मकसद पता चलता है, आप जब उसको सिर्फ आवाजें सिखा रहे हैं तो उसको मकसद भी नहीं पता, उसको एक ऐसी चीज के पीछे आपने लगा दिया जो बिल्कुल पूरा साल आप कोई 5-6 रंग उसको बता रहे होते हैं, पूरे एक रंग के लिए आप एक दिन मना लेते हैं कि क्यों, उसके बगैर उसको क्या नीले रंग का नहीं समझ आएगा, तो बच्चे का एक तो वक्त ज़ाया हो रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरा है कि ताल्लुक बहुत ख़राब हो रहा है, यानी आप होमवर्क कराने में मुझे लगने लगा था जब मेरी बेटी, क्योंकि मैंने आपको बताया उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था, तो लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक हो गया, उठो 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 उठो, नाश्ता करो, तैयार हो, वापस आओ तो सो जाओ थोड़ी देर, और फिर उठो होमवर्क करो और फिर बस दोबारा सो जाओ। आप बस एक मैनेजर हैं और बस आप कारी साहब आके कर सकते, बस उठो कारी साहब, बिल्कुल, बस 10 दफा बोलो फिर वो कारी साहब से पढ़ते हैं, फिर वो खाना खा लो, क्योंकि वो बेचारे आते हैं उनको एक वो अपनी कमरा मिलता है, अपनी जगह मिलती है, वो डूब के खेलना शुरू हो जाते हैं कि अब कोई हमें टींग टांग कुछ नहीं बोलेगा, और वो बेचारे अपने फ्री प्ले में लगे होते हैं, फिर एक बार उनको कारी साहब से पढ़ाना है, फिर होमवर्क कराना है, और मुझे वाकई ये लगता था कि एट द एंड ऑफ द डे मैं बेड टाइम पर जो उनसे बातें करती हूँ, वो उनके पास आजकल ना जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जिस तरह ग्रेड 3 में गया है, तो उसके पास एनर्जी नहीं होती, वो बेड टाइम में कहता है मैं बस सो रहा हूँ, तो मुझे ना एंग्जाइटी होती है कि उसके कोई मसले चल भी रहे होंगे तो वो मुझे कब बताएगा, बिल्कुल ये बात, मुझे तो बहुत डर होता है कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। और अच्छा, वैसे हमने जो बात की ना कि सिर्फ 2 घंटे सुबह मैं इस तरह देती हूँ, उसके अलावा भी जाहिर है बहुत सी चीजें, आप अवेलेबल तो हो ना, अवेलेबल है, वो जाहिर है कोई मसला है। दूसरा ये कि हम एक और चीज करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसका जिक्र हो इसलिए ताकि और लोगों को भी तहरीक मिले, कि हम ना कुछ 4-5 किताबें हमने चुनी हुई होती है और नहीं हम वैसी, और वो हम बैठ के पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे पहले हम कुरान को ना बिल्कुल समझें, बिल्कुल फ्लो में पढ़ते हैं कहानी की तरह, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आयत पे हमारी इतनी डिस्कशन हो जाती है कि बच्चों के सवालात कि नहीं ऐसे क्यों कहा अल्लाह ताला ने, तो उसके जवाब में वो लोग फिर क्या कहते थे और पूरी एक डिस्कशन हो जाती है, तो हम कुरान को बिल्कुल कहानी की तरह जैसे एक उसमें पढ़ते हैं तो वक्त मिल रहा है, फिर हम ये होता है कि कोई ना कोई सीरत की कोई, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो प्यारे नबी हो, चाहे वो अम्बिया, मतलब कोई ना कोई हमारी वो चलती रहती है। अच्छा, उस पर भी बच्चे, अब क्योंकि जाहिर है बच्चों को आदत है सवाल करने की, तो बच्चे कोई भी सीखे ऐसे क्यों, इतना भी ज़्यादा क्यों, यानी मिसाल के तौर पर प्यारे नबी की कोई अगर बात हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बच्चों के जहन में सवाल और वो करते हैं, उससे आपको भी बहुत सोचने का मौका मिलता है। फिर कोई एक फन कहानी हम साथ में रखते हैं, इश्तियाक अहमद की हो गई या कुछ भी ना इस तरह की, तो कुछ ना कुछ हमारा जो है वो इस तरह की डिस्कशंस रहती हैं, और मुझे ये लगता है कि ये वाली जो एक अपॉर्चुनिटी है ना, आपको फिर ज़ाहिर स्कूल के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। हाँ, बहुत मुश्किल है, और अगर आप करना भी चाहो ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं नहीं करना चाह रही होती, कि मैं थकी भी होती हूँ, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं करना चाहूँ भी ना तो भी मैं वो बच्चों में वो विलिंगनेस नहीं होती। जैसे जून जुलाई में मैं देखती थी बच्चे इतने लोडेड विद एनर्जी होते थे कि हमारे साथ खेलें, हमारे साथ ये करें, हमारे साथ, और अब बेचारे वही 6 बजे के उठ के उनके पास कोई वो नहीं होता, कोई हाल नहीं होता। ये लग रहा होता है कि बच्चे इनको नहीं समझ आएंगी चीजें, बच्चों को बहुत चीजें समझ आती है, मतलब आप अगर नफ्स की भी बातें करने लगे ना कि भाई है क्या क्या और किस तरह की टाइप्स होती हैं, तो बच्चे खुद ही बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें लेके आते हैं कि फलाना वक्त उसने मुझे ये कहा था तो मुझे ये दिल चाहा लेकिन मैंने नहीं किया, तो ये चीजें जाहिर है उनकी तरबियत हो रही है। पता है जब मैं अभी रिसेंटली मैं उनको जबान के गुनाह पढ़ा रही थी, सिंस ऑफ द टंग, उसमें मैंने उनको
बैक बाइटिंग पढ़ाई. मेरी बेटी छोटी सी, अभी 5.5 साल की है, और मैं सोच नहीं सकती थी कि उसकी क्लास में किसी बच्ची ने उसको लाइक बाकायदा इन्विटेशन दिया कि आओ हम बैठ के ये बातें करते हैं, तो फलाने बच्चे के बारे में जिसने किसी की शिकायत की थी, उसी की शिकायत की थी. अच्छा. तो हुआ ये कि मेरी बच्ची की गाड़ी पहले आ गई, तो वो आ गई, पर कहती है कि मैंने तो उसको मना कर दिया था, लेकिन अगर मैं चाहती भी करना बैक बाइटिंग तो मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज मेरी कार आ गई थी. तो मैंने कहा बट यू स्टिल गेट द रिवॉर्ड फॉर सेइंग नो टू द सिन. किसी ने आपको इनवाइट करा फॉर दैट यू नो फॉर सिन, लेकिन आपने कहा कि मैं नहीं करूँगी. तो कहती अगर मैं कहती कि हाँ मैं कर रही हूँ और फिर भी मेरी गाड़ी, तो मैं तो फिर भी नहीं कर पाती. मैंने कहा लेकिन फिर आपको उस नियत का गुनाह मिलता कि आपने एक बुरी चीज़ की नियत की है. तो यू नो नियत और बैक बाइटिंग, वो बच्चे बहुत डीप जाते हैं, आपको भी वहाँ साथ ले जाते हैं जहाँ पर आप भी नहीं सोच रहे होते हैं. बिल्कुल. हमारा अपना भी मसला ये है ना कि हमने खुद अपने ऊपर कभी गौर नहीं किया. हमारा भी सुपरफिशियली है ना सारी तालीम जो भी है. तो वो चीज़ अब बच्चों में अगर अभी से आ जाए कि वो अपने अपने हर अमल को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है. कितनी अच्छी बात है. बिल्कुल. बट मैं वही कह रही हूँ कि वो टाइम और एनर्जी, वो डिस्कशन, वो जून जुलाई में सही से होती रही. अब तो वो ऐसे होता है कि बाय द टाइम 7:30 बजते हैं ना, हमारी खुद ऐसी बस हुई हुई होती है कि अगर वो डिग इन करना भी शुरू करते ना, तो हम ऐसे होते हैं कि यार स्टोरी सुनना, क्या सवाल पूछ रहे हैं जो सुना रही हूँ बस वहीं तक रहो, मत पूछो सवाल. तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अक्ल दे. नेक्स्ट सवाल ये है कि ये होम स्कूलिंग बच्चों को ओवरली डिपेंडेंट कर देती है अपने पेरेंट्स पर, कि वो जो अभी हमने सोशलाइजिंग की ही बात की उसी को हम एक्सटेंड करते हैं सवाल को, कि बच्चे फिर अगर अकेले आप उनको फुटबॉल ड्रॉप करके जाना चाहें तो वो नहीं कहेंगे नहीं नहीं जी हमारी अम्मा हमारे साथ बैठी रहें. जो एक वो होता है ना कि क्लिंगी बच्चे बन जाते हैं, माँ बाप के बगैर कुछ करने के काबिल नहीं रहते, हर जगह उनको नीड है माँ बाप की. और हमारे बच्चे तो बहुत इंडिपेंडेंट है, इज द न्यू ट्रेंड दीज डेज कि हम तो ट्रैवल कर आते हैं और बच्चे पीछे अकेले होते हैं. हम तो ये कर कर आ गए और बच्चे पीछे अकेले थे. तो लोग इसको बड़ा फ्लेक्स करते हैं ये आजकल हमारे कल्चर में. तो ये जरा बताएं कि क्या ऐसा होता है. वैसे मेरा तजर्बा है कि ऐसा नहीं होता. और लेकिन इससे पहले एक बात यह है कि हर बच्चा ना अलग भी होता है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत अरसे तक आपके साथ साथ ही रहना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से जब तक वो 7 साल के नीचे नीचे हैं तो उनको ये पूरी गुंजाइश है कि वो साथ साथ रहें. और एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी थी कि आप बच्चे को ये ना महसूस होने दें कि वो शर्मीला है, वो जाता नहीं है. हाँ, आप ना लेबल करें. अगर आपने लेबल कर दी वो अपने बारे में यही सोचेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा. तो वो ठीक है, क्योंकि मेरी 6 साल की बच्ची थी, वो बहुत अरसे तक, यानी अभी खैर 6 साल की हुई है, बहुत अरसे तक वो साथ चिपकी. हम कोऑप्स में जाते थे, हमारे यू पार्क में मीटअप्स होते थे, वो साथ चिपकी बैठी रहती थी. और मैं कहती थी यानी यहाँ तो कुदरत के नज़ारे हैं, बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, क्यों नहीं खेल रही है ना. तो फिर मैंने यही पूछा था अपनी जो मेरी टीचर थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप इसको ना महसूस होने दें कि आप इसके बारे में ये सोचती हैं. और वाकई उस चीज़ से इतना फ़ायदा हुआ कि 1 साल बाद माशाल्लाह उसकी हर एक से दोस्ती है. अब वो गली में अपने बहन भाइयों के साथ जाती है. और हर बच्चे का अलग मिजाज भी होता है. कुछ बच्चे वाकई थोड़ी देर तक जो है वो चाहते हैं, लेकिन 7 साल के बाद लगभग बच्चे चले जाते हैं. जाहिर है जब उनको शुरू से आदत है कि वो क्लब्स में जा रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो वो आदत हो जाती है. ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चा ओवर ले, फितरत की बात होती है. मेरा बच्चा स्कूल जाता है, पर वो यही है कि वो थोड़ा सा ही टुक हिज टाइम. लेकिन बेटी तो ऐसी थी कि स्कूल जाते ही कि मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं आपकी. बिल्कुल. तो ये नेचर भी होती है. अच्छा, ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग के ओवर डिपेंडेंट और एक डिमांडिंग का भी है ना, कि मेरे तो बच्चा खैर स्कूल जाते हैं लेकिन उनको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है घर में. तो जैसे अब वो बड़ा हो रहा है, 8 साल का हो गया माशाल्लाह, तो बहुत एक ना पावर स्ट्रगल सी है हर चीज़ में कि क्यों करूँ, नहीं करना, क्या है. और बिकॉज आई थिंक दे फील सेफ टू क्वेश्चन द सिस्टम. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास वो एनर्जी नहीं होती, आपके पास वो नहीं होता, तो इट मेक्स मी यू नो रियली फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स. और क्योंकि हमें वो स्पेस नहीं मिली ना पूरी ज़िंदगी, तो हम ज़्यादा ट्रिगर हो रहे होते हैं कि वो आसान है ना सिस्टम के, बस बच्चे को कह दिया और उसने कर लिया. अभी लाइक हम एक एक घंटे की बहसों मुबहसे कर रहे होते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है. और ये समटाइम्स लाइक ऐसी रैंडम बात पे बच्चा बहस कर रहा होगा कि लाइक बारिशें हो रही थी अभी तो बाहर से आया है, तो अब शावर नहीं लेना, चलो अगर कर लिया ऑल्टरनेट डेज है तो पाँव धोने हैं. तो वो उस पर बहस चल रही है कि पाँव क्यों धोने हैं, मैंने बाहर से आके, मैं तो क्रॉक्स पहन के गया था, मेरे तो पाँव ही नहीं गंदे, ये वो लाइक पूरी दलीलें करता रहे. बिल्कुल. तो वो जो बच्चा होम स्कूल है उसको फिर आप कैसे कन्विंस. बल्कि ये वो पॉइंट था या ये वो नुक्ता था जिसपे मेरे शौहर को ना बहुत ज़्यादा इस बात पे था कि
ये मतलब इनकी मर्जी से अगर हर चीज़ हो रही है या इनके इनको जब तक कोई चीज़ का मकसद समझ आ रहा है तभी वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये तो इनकी आदत हो जाएगी और ये चीज़ तो हमारे गले पड़ जाएगी। तो आपकी एक तो वो बात ये कि वाकई हमें खुद आदत नहीं है कि भाई हर चीज़ पे सवाल किया जाए ना, तो हम कुछ बातें, हाँ मुझे लगता है कि हाँ जैसे कुछ बातें तो हमारी ये होती थी ना कि ये करना है, हाँ, और उसकी कोई लॉजिक हो और हम तो कुछ भी नहीं सोचते थे बिल्कुल, मतलब बड़ी बड़ी बातों पर नहीं सोचते थे कि भाई क्यों करना, बस नमाज पढ़नी है, बस दुआ मांगनी है, बस तस्बीह करनी है, तो हमारे वो वाले सवाल भी नहीं थे कि ये क्यों करते हैं, हाँ, हम नमाज के बाद अगर ये पढ़ रहे हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, बस नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका भी क्या मतलब है, अल्लाह माफ करे, वो भी नहीं, हाँ, कभी समझ आया, ऐसा ही है। तो ये लोग तो पूछ रहे होते हैं, ये लोग पूछ रहे होते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन वही आपकी बात है कि कभी आपके पास हिम्मत नहीं है, कभी आपके आप जल्दी में भाई मेहमान आने वाले हैं, चीज यहाँ से यहाँ रखनी है, अब उस पर क्या मैं तकरीर करूँ, हाँ खड़े होके, या मैं कहीं निकल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से इस पे ये है कि हमें ना इस पे हुदूद का तायुन, यानी जिसको कहते हैं ना बाउंड्री सेट करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि एक मसला आता है, हम डांट देते हैं अभी ये सवाल करो, और फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, और फिर अगली दफा वही मसला होता है। आपके पास जब आप यानी एक एक डायरी रखें जिसमें आप नोट करें कि नहीं ये वाली चीज़ों पर डिस्कशन करना है, फिर आप उनको बिल्कुल लॉजिकली ये बात बता सकते हैं कि भाई देखो मेरे और आपके बाबा पर इस घर की मुकम्मल जिम्मेदारी है, हम ज़्यादातर जिम्मेदारी हम इसकी उठा रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत बोझ है, अब हमारा ये मकाम जो है, फिर आप उसको ज़ाहिर दीनी लिहाज से भी बता सकते हैं और आप एक अथॉरिटी का बता सकते हैं कि भाई मेरे पास हमारे पास इख्तियार हैं कुछ, और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कुछ औकात ऐसे होंगे कि आप सवाल नहीं करेंगे, और हाँ ठीक है, आप बाद में इस पर हम ज़रूर आप मुझसे पूछें, आप ज़रूर पूछें, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होंगे कि जब आपके सवालात को हम जो है वो समझे एंटरटेन या आपके सवालात को जवाब नहीं दे सकेंगे। तो एक तो हुदूद का तय्युन और इन बातों पे जब डिस्कशंस अच्छे माहौल में हो जाती है ना, वो नहीं कि जब जज्बात गर्म हो रहे हैं दोनों साइड, बच्चा भी लड़ने की उस पर है पीक पर, जब नया नया जेंटल पेरेंटिंग पढ़ा और सीखा और समझा और जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो जो देसी कल्चर का सबसे बड़ा मसला है दो लगाओ ठीक हो जाएगा, और बिकॉज लड़का भी है यार, हम तो बस देखते थे और बच्चा सीधा हो जाता था। बहुत अमेजिंग स्टैंडर्ड्स है माशाल्लाह कि बहुत कमाल आप करते थे और बहुत कमाल आपके साथ हुआ है, तो कोई अच्छी बात नहीं है उसको ग्लोरीफाई करने के, लेकिन बॉयज का यूजुअली होता है जो हमारे शौहर हैं या जो मर्द हैं उनका यूजुअली यही अप्रोच होता है कि तुम क्या इसको मम्मी डैडी बना रही हो, या क्या इसको छुई मुई बना रही हो, ये क्या बाहर निकल के दुनिया में करेगा, इसको रफ एंड टफ बनाना है जी, और नहीं इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जी बच्चा जो चाहेगा जब चाहेगा आप उसको बस फैसिलिट, नहीं आपने हुदूद मुतय्यन की हुई है, और फिर जब आप उसको दीनी लिहाज से भी बता रहे हैं ना, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई एक पॉइंट पे आके आप मुझसे मजीद बहस नहीं करेंगे, और आप ये बताएं कि मैं तंग हो रही हूँ इस चीज से, यानी बजाय इसके दूसरी एक और बात है कि कभी कभी बच्चे के सवाल आपको वाकई में सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वाकई में ये जो कह रही हूँ उसको तो क्यों कह रही हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चा अगर ये कपड़े ही पहन के जाना चाह रहा है और हम चाह रहे हैं कि नहीं फलाना कपड़े पहने, ये तो बहुत बड़ा मसला है पेरेंट्स का, और मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा मसला क्यों है, अगर लाइक हर किसी का अलग अलग होता है ना, मुझे तो ये बिल्कुल बॉदर नहीं करता कि वो कह रहा है मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये नहीं पहनना, बट आई थिंक क्योंकि मैं उस चीज से आगे निकल आई हूँ कि मुझे किसी को किसी तरह से इम्प्रेस करना है, लेकिन बहुत सारी माओं का या आज भी मसला है कि हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, वो हमारी मर्जी का लाए हुए लड़की नहीं पहन रही कपड़े या लड़का नहीं पहन रहा, तो मतलब उसकी खुशी है या उसकी मर्जी, हम जब खुद सोचते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी ये सोच है ना, ये जो हमारा ये अमल है इसके पीछे जो हमारी सोच है वो छोटी है। हाँ, और किसी ने बहुत अच्छी बात की थी जब हम कोर्स कर रहे थे पेरेंटिंग का, कि असल में हम ना समझ रहे होते हैं कि बच्चा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चा हमारा शो पीस है ना, तो हम बस चाहते हैं कि वही जूते पहने, वही मौजे पहने, अपनी शादियों में भी करते हैं रिलेशनशिप्स में, तो उसको सजाना, शौहर को भी, शौहर बीवियों को भी, कि लाइक वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही है। मैं तो थेरेपी में आके पहली चीज जो मेरी शॉर्ट है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वो अपने आप को कर रहे हैं और बच्चे अपने आप को, बिल्कुल अगर वो, और फिर मैंने उनको चॉइसेस का वो दिया हुआ है कि भाई अपनी जिंदगी में जो भी आप चॉइसेस करते हैं, हमारे दीन में भी यही है, सजा और जजा, इवेंचुअली यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और हमारा जो कम से कम मेरी कोशिश ये होती है कि हम उनको उसी तरह रेस करें कि वो सही गलत बताना मेरी जिम्मेदारी है, मार मार के उस सही रास्ते पे चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं कब तक चला लूंगी,
अक्सर यानी हम कर इसलिए रहे होते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, और हम उनसे उस बच्चे से कह ही रहे होते हैं कि देखो इस बात की फिक्र ना करो कि लोग क्या कहेंगे, हालांकि हमारे बहुत छोटे छोटे जो हमारी बातें हैं उसके पीछे यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, और बच्चा हमसे सवाल कर रहा होता है। तो बच्चों को सवालात को ना हमें खुद भी सोचना चाहिए कि वाकई में मैं क्यों कह रही हूँ। और कभी कभी बैकफायर भी कर जाता है कि अच्छा अम्मा कह कुछ रही हैं और अम्मा की प्रैक्टिस में कुछ और है। सो ट्राई टू यू नो अलाइन योर थॉट्स एंड योर प्रैक्टिसेस। मुझे तो लग रहा है कि हमारी इतनी बातें हैं और इतने सवाल हैं कि हमें एक और इस पे पॉडकास्ट करने चाहिए, बट चलो विल ट्राई टू लाइक क्विकली कमिंग बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि लव्स लव्स कुंजी जो आपका ब्रांड है हुमैरा, वो कैसे बना, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडिया था इसके पीछे, क्या मोटिवेशन थी, क्यों लगा कि हमें एक ऐसे ब्रांड की ज़रूरत है जो बच्चों के लिए उर्दू किताबें इतनी माशाल्लाह इंटरेस्टिंग वे में आप एनिमेटेड होती हैं, कहानियाँ होती हैं। एक कहानी है, एक किताब है जिसका नाम है छिपकली की शामत। वो मेरे बच्चों की फेवरेट है क्योंकि वो एक्चुअली घर में हो रहा होता है ना कि छिपकली आ जाती है और भाग रहे हैं और पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं, तो उनको रिलेटेबल लगती है। एंड द फैमिली सिस्टम ऑल्सो के भैया हैं, एक एक छोटी बहन है और एक वो, तो वो बड़ा क्यूट सा अम्मी अब्बू जो घर में बातें होती है ना, तो वो उनको बड़े मज़े की लगती है। मुझे ऑनेस्टली मुझे बड़ा डाउट था कि ये पढ़ेंगे उर्दू की किताबें या नहीं, बट लाइक वो बैठ के देखते रहते हैं, उनको इतने मज़े की लगती है कि छिपकली छुपी हुई है, निकल रही है। एक वो माल्टों का बाग, कुछ किताब के बाकी सैर, माल्टों के बाकी सैर। तो ये ज़रा बताएं कि क्यों आपको लगा कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को उर्दू कहानियों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे ऐसे एलीट क्लास में लोगों को लगता है कि उर्दू की ज़रूरत क्या है, उर्दू क्यों स्कूल्स में, ये जो स्कूल्स ने पाबंदियाँ लगाई हैं, ये कस्टमर्स ने जा के बताया ना, बिल्कुल कि हमें कहते हैं कि पेरेंट्स स्कूल्स को बताया है कि हमारे बच्चों को उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ाएं, तो आप प्लीज़ बताएं कि ये क्या, बिल्कुल क्या आपने सोचकर ये लफ्ज़ लफ्ज़ कुंजी बनाया और क्यों आपको लगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। सही। अच्छा, थोड़ी सी बात तो हमने उर्दू की अहमियत पे की थी ना कि भाई वो जाहिर सी बात है, हाँ वर्ड्स बताया, बिल्कुल। और फिर होम स्कूलिंग का एक और जो हमने कहा कि भाई अगर आप फितरी तरीके से उसको वो करना चाह रहे हैं तो आप उसको किताबों से बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। तो अच्छा होता, मैं थोड़ा अपना बचपन का भी बताऊंगी। हमारे जो बाबा हैं ना, तो उन्होंने दुनिया घूमी हुई थी और हम हमेशा उनसे थोड़ा सा समझे मुतासिर ही रहे, और लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, उनसे मशवरे लेते थे। कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, स्टूडेंट्स उनके दीवाने थे। फिर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, तो भी स्टूडेंट्स उनको बहुत पसंद करते थे मशवरे लेना। और हमारे बाबा ने हमारे अंदर हमेशा एक चीज़ डाली कि अपनी ज़बान से मोहब्बत, अपनी मतलब अपनी जो चीज़ है ना उस पर एतमाद, यानी बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है ना खुदी का, तो उस पर हमारे बाबा ने हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश की। और बाबा को बहुत ये चीज़ होती थी कि भाई उर्दू बोलें तो खालिस उर्दू बोलें। अभी भी हमारे हम बहन भाई आपस में एक दूसरे की बहुत वो करते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ बेतुका सा बीच में घुस जाता है ना, तो वो ज़ाहिर आदत इतनी हो गई है। और अब पता है तुम उर्दू में बात करो तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू नो यू आर स्पीकिंग इन ब्यूटीफुल उर्दू। एक तो वो होती है ना जो हमारी उर्दू होती है, मुझे तो अभी भी अपनी उर्दू में भी मसले नजर आते हैं, तो इतना अच्छा, लाइक इट्स सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सच अ रिच लैंग्वेज, कि जब तुम बोल रहे हो तो मुझे तुम्हारी बातें सुनने में मजा आ रहा है। तो बस वो फिर यही हुआ कि जब ज़ाहिर बच्चों को होम स्कूल करना शुरू किया तो किताबों से जोड़ना, ये बात तो पता थी क्योंकि बाबा ने ये बात भी डाली थी कि भाई किताब जो है ना वो आपकी दोस्त होती है, और किताबों से जो आपका जहनी जो वो लेवल है, सतह जो बढ़ती है ना, उसका उसकी बात ही अलग है, बाकी महसूस भी ऐसा होता है। तो अब जब मैं जाती थी किसी बड़े बुक स्टोर भी जाएं, किसी छोटे कुतुबखाने भी जाएं, तो वो क्या होता था कि अंग्रेज़ी की बहुत न सिर्फ ये कि वैरायटी है उसका, उसकी कहानियाँ बहुत मुख्तलिफ, उसकी इलस्ट्रेशन, उसका जो मायार है कागज़ का मायार वो बिल्कुल अलग, और उर्दू का आपको एक तो या तो आपको मिलता ही नहीं था कि कोई भाई कहाँ है उर्दू की किताब, पता चलता कोने खुदरे में, कोने खांचे में कई सेक्शन बनाया होता है, मिट्टी से भरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और कितनी गंदी प्रिंटिंग यार, वो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करे। तो वो अब जाहिर सी बात है इतना जब फर्क होगा तो बच्चे को क्यों दिलचस्पी होगी, और बच्चे बड़े ना विजुअल होते हैं, हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर, जैसे हम अर्ली एज में चाहते हैं ना किताबों का शौक हो, तो प्लीज जरा एक किताब आप दिखाएंगी, ये देखिए जी, ये जो बुक है जो उसके कैरेक्टर्स हैं, और जरा सा जूम करके दिखाइएगा कि ये इसकी क्वालिटी देखें, कलर्स देखें, और जो लिखाई है उसका आप देखें कि किस तरह वो लिखा हुआ है, साफ साफ के
मैं अगर पढ़ के सुनाऊँ मेरे लिए, बच्चों के लिए, तो वाकई लाइक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कह रही, दिल से कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसा पाकिस्तानी कोई इस तरह नहीं मिला उर्दू का. बहुत शुक्रिया. बस यही था कि मुझे था कि नहीं, इलस्ट्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उसके मैार पे. हालांकि मसला फिर यही हो जाता है कि जाहिर है इसकी इसको इसकी कीमत बहुत हमें ज़्यादा पड़ती है. लेकिन प्रिंटर्स को भी पता है कि आपको क्वालिटी तो कम चाहिए नहीं, मैार तो हम नीचे कर नहीं सकते, तो यही फिर जाहिर इसकी कीमत बनती है. अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना थोड़ा सा मसला ये है कि वैसे भी लोग किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते. हाँ, ये तो बहुत और यानी हमारा जो समझें कि ज़हनी मेयार है ना, वो कम से कम होता ही चला जा रहा है, क्योंकि हम वैसे भी किताबें नहीं पढ़ते, हम बड़े भी किताबें नहीं पढ़ते, और फिर बच्चों के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होता. और अगर होता भी है किताबों से जोड़ने का, तो ज़्यादातर अंग्रेजी किताबों से ही लोग जोड़ रहे होते हैं. हम वो तो, ऑब्सेस्ड जो हैं इतने, बिल्कुल उनके कल्चर से, उनकी बातों से, उनके सीजन से, उनकी किताब, हर चीज़ हमें वही चाहिए. हाँ, तो फिर बस वो यही हुआ कि बच्चों का मैंने देखा अंग्रेज़ी उन्होंने फटाफट सीख ली, क्योंकि ज़ाहिर उसके रीडर्स थे. अब उर्दू में ये मैंने देखा कि या तो उनको पढ़ के सुनाना पड़ रहा है, और या फिर अगर बहुत ही कम अल्फाज वाली किताब है तो वो उनके लिए बोरिंग हो जाती थी. लेकिन जो लेवल्स बनाए ना हुमैरा, वो इट वाज अ वेरी गुड आइडिया कि बे और वो करके ना कि वो छोटी छोटी क्यूट छोटा जुमला हो, पकड़ने में उनके लिए आसान है, छोटे नन्हे नन्हे हाथों के लिए. तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल आल्सो. कैन यू शो अस वन बुक? ये वाली है छिपकली की. हां, ये वही है छिपकली की शामत जिसकी मैं बात करूंगी. देखें जी, अब्बा स्प्रे कर रहे हैं, वो पीछे भाग रही है. तो ये एक तो देखें ये साइज कि बच्चा पकड़ ले, उसके बाद ये वन लाइनर्स हैं. तो क्योंकि बच्चे पिक्चर्स पे ज़्यादा देखते हैं ना, तो ये लाइक मेरे अपने घर में बहुत पढ़ी गई है. और जब अभी तुम कह रहे थे ना मैं बुक्स भूल रही हूँ, तो मेरा मुझे ख्याल नहीं आया कि मेरे पास सारी रखी हुई ये वाली बुक, सारा कलेक्शन मौजूद है. तो बस ये होता है कि ये चूंकि अल्फाज बार बार आ रहे हैं ना, तो और जुमला छोटा है, तो बच्चों को फिर याद हो जाता है कि अच्छा रही जो लिखा हुआ है ना वो ऐसे है. अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भी करना शुरू हो जाता है कि अच्छा रहा भी इस चीज़ से शुरू हो रहा है, रही भी इस चीज़ से, तो वो पहचानना शुरू हो जाता है बिल्कुल फितरी अंदाज में. तो ये बुनियादी तौर पे इसका मकसद था, और अल्लाह करे कि आगे ये चल सके, क्योंकि हम अभी तक तारीफों पे ही चल रहे हैं. माशाल्लाह लोगों की तरफ से बहुत, जो भी खरीदता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि बहुत खुश होते हैं लोग इसी तरह ना. मैं तो बल्कि पता है अभी ये देखते देखते ही मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं तो सोच रही हूँ कि अब जब कोई मौका आएगा ना ईद या बर्थडे, तो मैं तो यही लफ्ज़ कुंजी के पैकेजेस बनवा के गिफ्ट में दिया करूंगी. और मैंने अभी सईद बुक बैंक पे भी देखा कि उन्होंने ना वाउचर्स निकाले हैं, तो यू नो आप वो वाउचर्स खरीद लें और फिर वो गिफ्ट करें. तबाही टॉयज मचाए हुए हैं बच्चों ने घर में. मुझे तो अब कोफ्त होने लगी है कि मत, मैंने कोई एक दो साल से सिस्टम बनाया हुआ है कि हम सिर्फ किताबें खरीदेंगे. बिल्कुल, हम बुक शॉप जाते हैं, हम बुक्स खरीदते हैं. और मैंने बैन लगाया हुआ है कि नो मोर टॉयज. और आपको पता है ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा खिलौनों के बजाय, और वो है भी, आप देखिए खिलौने जो है वो ज्यादातर प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो जो है आपका वैसे भी मतलब आपके माहौल के लिए भी अच्छे नहीं है. और दूसरा ये कि पैसा, वो दो दिन में बच्चे तोड़ ताड़ के इधर उधर कर देते हैं, और उनका फिर जहन भी जो है वो महदूद ही हो रहा है ना, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं बना रहे. तो एक और हमें चीज़ जो है वो हमने सीखी कि बच्चों को ना मटेरियल आप दें, रॉ मटेरियल. मिसाल के तौर पे आप ढेर सारे गत्ते लाके दे दें. अच्छा. आप ढेर सारा रिबन्स हैं बची हुई वो लाके दे दें, कागजात लाके दे दें, ये चीज़ें दें, बच्चे खुद से कुछ ना कुछ बनाते. अच्छा, जब अभी जून जुलाई में मैं अपनी अम्मी की तरफ भी गई थी ना, वो सिलाई उनको आती थी बहुत, जब हम छोटे थे हमारे कपड़े बनाते थे, तो मैंने कहीं रैंडमली जिक्र कर दिया कि इन्होंने दो छोटे छोटे बेबीज नहीं होते जो वो नाना नानी से मंगवाए थे कि बेबीज उसके साथ दूध दूध के कपड़े, तो वो कहीं मेरी बेटी ने कहा कि नानू सी के दें इसका ड्रेस. अच्छा. तो वो इतना उनको मजा आया उसमें कि वो फिर रोज कपड़े इकट्ठे करके लाते थे, इसके ये बटन लगा दें इसके ये, तो बिकॉज दे हैड टाइम एंड बिकॉज दे वर फ्रेश. तो वो पूरा लाइक एक महीना वो यही करते रहे, गुड्डे के कपड़े बना रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे, उसको टोपियां पहना रहे हैं. और मैं ऐसे होती थी कि बस लगे हुए ना अपना एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू नो दे आर नॉट वाचिंग स्क्रीन. बिल्कुल. तो मुझे ये यानी कुछ लोगों को ना ये लगता है कि बच्चे घर पे होंगे तो हमेशा दूसरा पे एंटरटेन करते रहना पड़ेगा. अब वो जाहिर सी बात है कि वो एक क्लब में भेजो, दूसरे क्लब में भेजो, तीसरे के बच्चा जो है ना उसके पास फारिग वक्त नहीं. हालांकि सबसे अच्छी चीज ही यही है कि बच्चे के पास फारिग वक्त हो और वो आके कहे कि भाई हम बोर हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. जब वो बोर होगा तो वो अपने अतराफ देखेगा, फिर उसको किताबें पढ़ने का भी शौक होगा जाहिर है, वरना फिर वो क्या होगा वो कि भाई उसको आपने फौरन क्विक फिक्स दे दिया ना. अभी लिटरली कराची में बारिश हो रही थी, वो एक कप लेके खड़े रहते थे रेन ड्रॉप्स कलेक्ट करने, ये देखिए. और क्योंकि कि बोर हो रहे थे ना, तो
जब वो बोर होते हैं ना तो उनको पता चलता है कि हमने क्या करना है। सबसे जबरदस्त काम तभी करते हैं जब वो बोर हो रहे होते हैं। कि मतलब हम दे नो हाउ टू एंटरटेन देमसेल्व्स, और अगर नहीं भी एंटरटेन देमसेल्व्स तो दे नो हाउ टू गेट बोर्ड। ये अपने सर पर एक और जिम्मेदारी ना ऐड करें कि बच्चों को हमने बोर्ड नहीं होने देना। बल्कि बच्चा अगर बैठा है खामोश है तो भाई वो कुछ सोच रहा है, और ये सोचना उसके लिए अच्छा है। तो ये वाली भी चीज है कि उसको जो है ना बहुत ज्यादा एंटरटेन ना करें। बहुत मजा आ रहा है हमारा तुमसे बातें करने का, मेरा तो दिल चाह रहा है बस ये चलती रहे पॉडकास्ट। बट चले हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जैसे आप कह रही हैं कि सस्टेन करना क्वालिटी, तो जिस तरह ये है ये तो हमें बनाते रहने ना किताब, एक दफ़ा तो तुमने नहीं लिख दी कि वो पब्लिश होती चली जाएगी। जैसे ये बड़ों की किताबें होती हैं कि वो आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा आसान है मैनेज करना। जैसे ये है कुछ इसमें तो तुम्हें ये ना कि लेवल्स निकालने हैं और इंटरेस्टिंग बनाना है और फिर क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो ये ज़रा मुझे बताओ कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो जो तुम्हें फेस करने पड़े यहाँ पर बिजनेस रन करने में पाकिस्तान में। सबसे पहले तो यही कि किताबों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि कोई भी फ़र्द अपने बच्चे को आराम से कुछ खिला पिला देगा उतने ही रुपए का, लेकिन वो किताब खरीदने में 100 दफ़ा सोचेगा। हालांकि किताब आपके पास काफ़ी अरसे रहती है, बच्चे बार बार पढ़ते हैं। बहुत सी किताबें आप लेकर आते हैं, बच्चा उस वक्त नहीं उसको पढ़ता, और वो एक साल बाद जो है उसको पूरी शुरू से आखिर तक एक ही उसमें बैठक में ख़त्म कर देता है। तो किताबों पर जो है वो इन्वेस्ट करने का एक तो रुझान नहीं है, ये क्रिएट करनी चाहिए अवेयरनेस के बच्चों के लिए बुक्स में इन्वेस्ट। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जाहिर है इन्फ्लेशन की वजह से ये होता है कि हमारी प्रिंटिंग की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और उधर लोगों के लिए भी उसको अफोर्ड करना जाहिर है मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक मुस्तकिल एक समझें चैलेंज रहता है। और फिर जाहिर है लोग पसंद तो बहुत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नए लोगों तक पहुंचानी है ये किताब मार्केट। हाँ। तो अब जब उसको मार्केट करना है, आपको उसका एड पे पैसे लगाने हैं अगर, तो फिर आप उस पैसे को कैसे कवर करें, जाहिर है वो तो डॉलर्स में जा रहे हैं आपका, मैनेज करना। तो वो कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है ना कि हाँ इंसान कहता है कि छोड़ो मैं नहीं करता, लेकिन फिर यही होता है कि मैं कहती हूँ कि उर्दू पे और बहुत ज्यादा काम हो नहीं रहा, तो अगर मैं भी छोड़ दूंगी तो फिर मतलब फिर कोई भी नहीं करेगा, फिर बच्चे। और आपको पता है कि सिर्फ बात ये नहीं होती कि उर्दू, बच्चों को अपना आप नज़र आता है ना इन किताबों में, अपनी जैसे खिड़कियाँ, अपने जैसे कॉम्प्लेक्शन, अपने जैसे फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये वाली चीज़ है, जब आप उनका फिक्शन मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके अल्फाज ज़ाहिर बोलना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बेटे ने कहीं कल बोला होली काओ, तो अब ये जाहिर सी बात है कहाँ से सीखा, किसी किताब किसी फिक्शन से ही सीखा ना। तो जाहिर है वो तो किताबें उनका कल्चर लिए हुए हैं, आप ठीक है बात करते हैं और आपको कभी ना कभी तो एक्सपोजर देना ही है, लेकिन ये कि ये वाली किताबों से हम ये वाली चीज़ भी चाह रहे होते हैं कि भाई बच्चों को अपना आप भी नज़र आए ना। तो बस अल्लाह करे कि अल्लाह में ही चला रहे हैं इसको इंशाल्लाह। एंड द आइडियाज आर आल्सो वेरी वेरी क्रिएटिव, जो ये माल्टो के बाग की सैर की पिकनिक हो रही है ये वो, तो आई थिंक ये फैमिली सिस्टम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो बॉन्डिंग विद योर किड्स, इसमें काफ़ी चीज़ें अल्लाह ताला आपको इसमें मदद करे और इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाए। वाज लवली हैविंग यू हुमैरा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, आई फील वेरी पम्प्ड एंड मोटिवेटेड टू यू नो फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे, अकल दे सही फैसले करने की अपने बच्चों के लिए, और उनको सिखाने की कि वो अपने लिए सही फैसले कैसे करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप सब लोग भी, आप भी, और हम ये इनका पेज नीचे टैग कर देंगे जहाँ से आप लोग ये किताबें ख़रीद सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं इनका पेज, वहाँ पर आपको हर किताब के बारे में समझ भी आ जाएगा कौन सा टॉपिक आपके बच्चे के लिए सही है, लेवल्स हैं, हर चीज़ है। एंड देन यू नो शी कैन ऑल्सो हेल्प यू मैसेज अगर आप करके इनसे पूछेंगे तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।